पाइप साइज के लिए ड्रिल के साइज का निर्धारण, ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। अभी एक एक करके सबसे पहले फॉर्मूले को समझेंगे और फिर क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, इसके लिए टाइप साइज के लिए ड्रिल के साइज का निर्धारण हम लोग इसमें क्या करने जा रहे हैं, इसके लिए थोड़ा समझ लेते हैं। जनरली जब हम लोग होल में टाइपिंग करते हैं या चूड़ी काटते हैं तो उसके लिए टाइप, मानकर चलिए टाइप 10 mm है, तो उसके लिए जो होल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो जनरली होल छोटा होना चाहिए। अगर 10 mm है तो लगभग होल का साइज 8.5 mm, नहीं तो 8.17 mm होना चाहिए। ठीक, इसके लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर ये होल अलग अलग टाइप के साइज के लिए किस प्रकार से मतलब निर्भर करता है, नहीं तो किस प्रकार से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, उसी के लिए करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग मेट्रिक सिस्टम में पढ़ेंगे, फिर ब्रिटिश में पढ़ेंगे। जनरली ये थ्रेडिंग करने के लिए नहीं तो ये टाइपिंग करने से पहले थोड़ा सा हम लोग एक टर्म को समझ लेते हैं। जैसे ये टाइप होता है तो टाइप में कुछ डायमीटर को समझ लेते हैं। ये टाइप है, इस तरह से इसमें थ्रेड बना हुआ है। ठीक, यहाँ पर ये टाइप, अगर डायमीटर के लिए बताएं तो कुछ टर्म यहाँ पर समझते हैं। थ्रेड में जनरली ये जो होता है ये क्रेस्ट होता है, ये जो थ्रेड होता है या टाइप होता है ये क्रेस्ट होता है, और ये होता है रूट। जनरली इस भाग को, उठे हुए भाग को क्रेस्ट और नीचे वाले भाग को क्या बोला जाता है, रूट। तो यहाँ पर देखेंगे ये क्रेस्ट से लेकर के ये बोल्ट या जो भी ये हमारा टाइप है, इसके क्रेस्ट से यानी क्रेस्ट से क्रेस्ट तक के, दोनों तरफ क्रेस्ट से क्रेस्ट तक के ये जो डायमीटर होती है इसको मेजर डायमीटर नहीं तो बड़ा डायमीटर बोला जाता है, बड़ा व्यास बोला जाता है। इसके बाद ये वाला जो डायमीटर होता है ये रूट, रूट से रूट तक के बीच का ये जो डायमीटर होता है इसको हम लोग छोटा डायमीटर नहीं तो माइनर डायमीटर बोलते हैं, छोटा डाया नहीं तो माइनर डाया बोलते हैं। अब इसके बाद कुछ चीज और समझते हैं। यहाँ पर ये जो रूट से लेकर के ये क्रेस्ट तक की ये जो लंबवत दूरी होती है इसको हम लोग डेप्थ बोलते हैं, गहराई बोलते हैं, यानी चूड़ी की गहराई बोलते हैं। और ये गहराई अगर एक तरफ है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल डेप्थ, और इसको हम लोग छोटा डी से सूचित करेंगे। और इसी तरह से यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी ये रूट है और ये क्रेस्ट है, यहाँ तक की ये लंबवत दूरी जो होती है ये क्या होती है, ये भी डेप्थ होती है। दोनों तरफ से ये क्या होता है, सिंगल डेप्थ। अगर पूरी गहराई के बारे में जब ये होल में टाइपिंग करेगा तो पूरी गहराई के बारे में बात करेंगे कि ये पूरा कितना गहरा काटेगा थ्रेड को, तो दोनों तरफ का डेप्थ क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, यानी 2D कर देते हैं, 2D। तो यहाँ पर जनरली हम लोग इसी के लिए पढ़ने वाले हैं कि ये कैसे हम लोग टैप ड्रिल साइज नहीं तो माइनर डायमीटर कैसे निकाल सकते हैं, अभी एक एक करके आगे समझ में आएगा। अभी ये चीज़ ध्यान रखिए कि ये डेप्थ क्या होता है, मेजर डायमीटर क्या होता है और माइनर डायमीटर क्या होता है, फिर आगे देखते हैं। तो यहाँ पर मेट्रिक सिस्टम में अगर देखेंगे तो टाइप ड्रिल साइज निकालने के लिए टाइप ड्रिल साइज यानी टाइपिंग करने के लिए होल का साइज कितना होना चाहिए, तो TDS इसको बोलते हैं। तो टाइप साइज मतलब टाइप का डायमीटर, और डायमीटर में कौन, ये मेजर डायमीटर, बड़ा डायमीटर, -2 × क्या, D। समझिए यहाँ पे ये जो डेप्थ है ये एक तरफ का सिंगल डेप्थ क्या है, D है, और दोनों तरफ का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2D होता है। जनरली टाइप ड्रिल साइज जो निकालते हैं हम लोग ये छोटे व्यास के बराबर होता है। जब छोटे व्यास के बराबर हम लोग होल का साइज रख देते हैं तो ये पूरी गहराई यानी मेजर डायमीटर के बराबर पूरी गहराई तक क्या बनती है, चूड़ी बनती है होल में। इसको 100% इफिशियंट थ्रेड बोला जाता है। अगर इस फॉर्मूले के द्वारा हम लोग किसी भी होल के साइज को कैलकुलेट करेंगे तो 100% क्या होता है, इफिशियंट होता है, यानी पूरी गहराई यानी जितना डायमीटर के अनुसार डेप्थ है अलग अलग थ्रेड का या टाइप का, वो पूरी गहराई में क्या कर लेता है, चूड़ी को काट देता है। अगर इसी चीज को अगर हम लोग ये 2D ना लेकर के एक प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाते हैं जिसको 60% थ्रेड बोला जाता है या 60% फार्मूला बोला जाता है, तो जनरली 60% डेप्थ भी अगर यानी यहाँ पर 100% ना होकर अगर 60% गहराई तक भी चूड़ी हम लोग बना देते हैं तो ये इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के लिए लीजिए, जहाँ पर भी प्रयोग किए जाते हैं ये थ्रेड इस तरह से कट कटे हुए होल में, उनको आसानी से प्रयोग कर सकते हैं, वो लोड झेलने के लिए क्या होते हैं, सफिशियंट होते हैं। अभी ये सारे चीज अभी जो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं उतने अच्छे तरीके से समझ में उम्मीद है नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी एक एक करके ये सारा चीज हम लोग क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं और फिर वहाँ पर बताएंगे उसका एक्चुअल मीनिंग, तब समझ में आएगा। अभी थोड़ा सा ये ओवर भी बनाए कि ऐसा एक्चुअल मीनिंग होता है, ताकि ये अभी पढ़ते पढ़ते आगे ध्यान में आएगा एक एक करके, फिर वहाँ पर एक्चुअल समझाते हैं। ठीक, तो अभी इसको करने के बाद फॉर्मूला की तरफ अब हम लोग चलते हैं।
तो यहाँ पर देखेंगे तो ये टाइप ड्रिल साइज TDS, नहीं तो छोटा डायमीटर भी बोल सकते हैं, होल का जो TDS निकालते हैं ये माइनर डायमीटर के बराबर लेते हैं, तो वहां से 100% थ्रेड बनती है। ये टाइप साइज माइनस क्या 2D, अगर यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो ये इतना लिखते हैं TDS, इसके बाद ये टाइप साइज के लिए D माइनस क्या लिख सकते हैं 2D लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये जो D होता है ये D क्या है, डायमीटर ऑफ टाइप। अभी बड़ा डायमीटर जो हम लोग फिगर में देखे थे ये बड़ा डायमीटर होता है, और ये छोटा D है ये डेप्थ ऑफ थ्रेड है, यानी थ्रेड की क्या है गहराई है। इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट है ये जो डेप्थ ऑफ थ्रेड होता है इसको अगर हम लोगों को निकालना होता है, ये मेट्रिक थ्रेड के लिए निकालेंगे तो D बराबर 0.61 इंटू पिच, ये पिच P बराबर क्या है पिच होता है, जनरली ये मेट्रिक सिस्टम में ये फिक्स्ड वैल्यू होता है, 0.61 इंटू पिच से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। जनरली यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मेट्रिक थ्रेड के लिए जो डेप्थ होती है उसके लिए कौन सा फॉर्मूला सही है इसमें से, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ध्यान रखिए डेप्थ बराबर क्या होता है 0.61 इंटू पिच, और जैसा पिच दिया रहेगा उसके अनुसार करेंगे। तो पहले फॉर्मूले को एक एक करके समझ लेते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा पिक्चर। यहाँ पर P बराबर क्या है पिच ऑफ थ्रेड, थ्रेड का पिच यानी एक से दूसरे थ्रेड की बीच की जो दूरी होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं पिच बोलते हैं, ठीक। तो अलग अलग स्टैंडर्ड थ्रेड का साइज भी हम लोग लिखेंगे, नहीं तो साइज नहीं भी रहेगा तो क्वेश्चन में दिए हुए पिच के अनुसार आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं टेप ड्रिल साइज। यहाँ पर फॉर्मूले को पहले अलग अलग फॉर्म में देख लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूला भी अलग अलग फॉर्म में पूछ लिया जाता है यहाँ पर। अभी इतना करने के बाद ये TDS बराबर D माइनस 2D, और D भी लिख चुके हैं 0.61 इंटू क्या पिच। अगर इस फॉर्मूले में ये D के जगह पर ये वाला 0.61 इंटू पिच रख दें तो उसके लिए यही फॉर्मूला है नेक्स्ट, और मैं यह बोल सकते हैं ये D बराबर TDS बराबर क्या हो जाएगा D माइनस 2 इंटू, और ये D के जगह क्या रख दिए ये रख दिए 0.61 इंटू पिच। तो इतना रखने के बाद अब फाइनल फार्मूला जो आएगा कैसे आएगा, तो TDS बराबर D माइनस 1.22 इंटू क्या पिच, ठीक। तो इस तरह से ये मास्टर फार्मूला है, इसको हम लोगों को ध्यान रखना है जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे मेट्रिक के लिए और एक्चुअल थ्रेड की कटिंग करने के लिए या शुद्ध होल साइज का कैलकुलेशन करने के लिए, नहीं तो 100% शुद्ध थ्रेड बढ़ाने के लिए तो इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, ठीक। अभी एक एक करके ये जो फॉर्म लिखे हैं हम लोग, ये डायरेक्ट ऑप्शन में दे दिया जाता है कि टाइप ड्रिल साइज के लिए निम्न में से कौन सा संबंध सही है, तो इसका अलग अलग रूप है, ये भी रूप है, यहाँ से भी बता सकते हैं, यानी ये D का वैल्यू पुट नहीं किए हैं हम लोग तो ये इस रूप में भी दे सकता है, नहीं तो ऐसे भी लिख सकता है लैंग्वेज में, तो किसी भी रूप में दे। हम लोगों को इसी तरह से सारे चीज को समझना है, रूप बदल बदल करके आए भागा अभी तो हम लोग क्या कर सकते हैं आसानी से पहचान सकते हैं, इसीलिए सारे रूप को यहाँ पर सारा राज जो है खोल करके रखेंगे यहाँ पे, और उसी से संबंधित अलग अलग फॉर्म में अगर पूछेगा क्वेश्चन तो आसानी से हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। ये डेप्थ के लिए पूछा गया है, वैल्यू दे करके पूछा था कि जैसे अलग अलग टाइप के साइज को दे करके तो उसका पिच रख करके आसानी से कर सकते हैं, आगे करेंगे सारा चीज। ये ध्यान रखिए जब भी न्यूमेरिकल बनाएंगे तो हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, और प्रैक्टिकल रूप से जनरली हम लोग वर्कशॉप में कैलकुलेशन करते हैं जब टाइपिंग करना होता है, जब कोई जॉब है उसके अनुसार मान लीजिए 10 mm का टाइपिंग करना है तो फिर इतना कैलकुलेशन नहीं करते हैं, एक एवरेज साधारणतः हम लोग डायरेक्टली क्या कर देते हैं, तो उसके लिए एक प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाते हैं या इसको शॉर्ट फार्मूला हम लोग बोलते हैं TDS बराबर D माइनस पिच, यानी जो टाइप का साइज होता है टाइप का डायमीटर उसमें से डायरेक्ट पिच को क्या कर देते हैं घटा देते हैं, तो डायरेक्ट पिच को घटाने से एक एवरेज लगभग ये 60% डेप्थ तक इसके द्वारा इस फॉर्मूले से निकला हुआ होल उसमें 60% गहराई तक चूड़ी को बना सकते हैं। और ये भी चूड़ी क्या होती है एप्लीकेशन के लिए उपयोग के लिए क्या होती है अच्छी होती है, ये 100% है। और दोनों में बोले कि दोनों फॉर्मूले में से अगर टाइप ड्रिल साइज यानी होल का साइज निकालेंगे तो शुद्ध होल का साइज कौन देगा, तो शुद्ध ये देगा, ये प्रैक्टिकल अप्रोच देगा, यानी 60% तक ये क्या होता है 60% गहराई तक थ्रेड कट जाती है, जिसके कारण ये नट या बोल्ट उसमें अगर हम लोग टाइट करते हैं तो लोड को झेलने के लिए क्या रहता है सक्षम रहता है। तो अभी एक एक करके समझते हैं, अभी ये फॉर्म समझ के रखिए, इतना फॉर्मूला इसमें से ये ध्यान रखना है और ये प्रैक्टिकल अप्रोच में ये ध्यान रखना है और बाकी फिर ये डेप्थ के लिए ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर देखेंगे ये मेन फॉर्मूला इसी से ये सारे फॉर्म आ रहे हैं तो आसानी से कर सकते हैं। अभी इसको लोग नोट डाउन कर लीजिए इतना पॉइंट, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे की तरफ चलेंगे, ठीक। नोट डाउन कर लीजिए एक एक फॉर्मूले को।
अभी आगे है ब्रिटिश सिस्टम के लिए, फॉर्मूला पहले देख लेते हैं फिर आगे हम लोग एक एक क्वेश्चन को करेंगे। ब्रिटिश सिस्टम में देखेंगे तो फॉर्मूला कोई अलग नहीं है, टी डी एस बराबर डी माइनस क्या टू डी, यहाँ पर वही है, ये मेजर डायमीटर बड़ा व्यास है और ये डी क्या है डेप्थ ऑफ थ्रेड है, और ये जो डेप्थ ऑफ थ्रेड होता है जैसे मेट्रिक के लिए 0.61 इंटू पिच होता है, उसी तरह से यहाँ पर ये ब्रिटिश के लिए इंच के लिए 0.64 इंटू क्या होता है पिच होता है, तो ये ध्यान रखना है 61 की जगह क्या है 64, बस एक ही एक कांस्टेंट वैल्यू चेंज हुआ है, इसको ध्यान रखना है। अगर मेट्रिक ब्रिटिश में अभी अगर कभी डेप्थ ऑफ थ्रेड पूछे या टाइप का डेप्थ पूछे तो क्या बोल सकते हैं 0.64 इंटू पिच, ये ध्यान रखना है। अब इसको हम लोग इस फॉर्मूले में रखेंगे तो इसको भी अलग रूप में देख सकते हैं, जैसे नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर ये टी डी एस है क्या लिख सकते हैं डी, और माइनस में ये टू तो है ही, और ये डी के जगह पर ये वाला वैल्यू रख देंगे यानी 0.64 इंटू पिच को रखेंगे तो फाइनल फॉर्मूला क्या बन करके आ जाएगा, तो इनको गुना कर लीजिए आपस में, इनको गुना कीजिए ये दो से इनको गुना करेंगे तो क्या होगा 1.28 इंटू क्या हो जाएगा पिच, तो ये डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है टी डी एस बराबर डी माइनस 1.228 इंटू क्या पिच, जैसे मेट्रिक के लिए डी माइनस 1.22 इंटू पिच हो रहा था इसी तरह से यहाँ पर 64 से जब गुना करेंगे तो ये 1.28 आ जाएगा, आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद अलग फॉर्म में इसको देखते हैं इसी फॉर्मूले को, अगर इस पिच के जगह पर हम लोग पिच बराबर क्या लिख सकते हैं 1/NTPI, और ये NTPI क्या है तो नंबर ऑफ थ्रेड पर इंच, ये NTPI का मतलब है नंबर ऑफ थ्रेड पर इंच, इसका मतलब समझते हैं। यहाँ पर अगर एक इंच की दूरी में दांतों की संख्या देख, अगर एक इंच की दूरी में यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं कि एक इंच की दूरी है, अगर एक इंच की दूरी में बता दें कि 20 दांत है तो पिच हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं, देखिए दूरी कितनी है एक इंच और दांत कितना है 20 है, तो एक से दूसरे दांत के बीच की दूरी हम लोग क्या कर सकते हैं इस तरह से एक इंच दूरी को 20 से भाग दे करके निकाल सकते हैं, यही क्या आ जाएगा एक से दूसरे दांत के बीच की दूरी आएगी, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं पिच बोलते हैं, इसको सदियों से पढ़ते आए हैं, ठीक इससे पहले भी पढ़े हैं बहुत जगह हेक्सा में भी पढ़े हैं फाइल में भी पढ़े हैं, तो इस तरह से कर सकते हैं आसानी से। अभी देखिए यहाँ पे ये जो पिच है इसी पर मूल्य को हम लोग अब क्या लिख सकते हैं 1/ यानी 1 इंच/NTPI, अब जैसे NTPI दिया रहेगा नंबर ऑफ तीत पर इंच नहीं तो नंबर ऑफ थ्रेड पर इंच, उसी के अनुसार हम लोग थ्रेड को क्या करते जाएंगे रखते जाएंगे, अगर ये पिच के जगह पर 1/NTPI रख दे तो फॉर्मूला कैसे दिखेगा, तो TDS बराबर ये D तो रहेगा ही, उसके बाद इस फॉर्म को लेते हैं पहले 2 × 0.64 इंटू क्या ये 1 ये पिच के जगह पर 1 कर दिए यानी 1/ और डिवाइडेड बाई क्या NTPI, यानी इसको देखेंगे तो ये TDS बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो D माइनस 2 × 0.64 इंटू 1 और डिवाइडेड बाई क्या NTPI, ये भी बोल सकते हैं। और इसका प्रयोग जनरली हम लोग कब करते हैं जब दांतों की संख्या दिया रहता है तब इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं, डायरेक्ट इस फॉर्मूले में दांतों की संख्या रख करके और फिर क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। यहाँ पर NTPI का मतलब क्या है नंबर ऑफ थ्रेड पर इंच, अभी इतना पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए फिर आगे चलते हैं इसमें। अभी नेक्स्ट है इसके लिए अगर इंच के लिए शॉर्ट फार्मूला देखें, यानी हम लोग ये तो शुद्ध कैलकुलेशन के लिए कर सकते हैं, एक शॉर्ट फार्मूला बताएं प्रैक्टिकल अप्रोच बोल सकते हैं इसको, तो इसके लिए जो फार्मूला यूज करते हैं हम लोग यहाँ पर टैप साइज बराबर ये TDS टैप ड्रिल साइज बराबर टैप साइज इंटू 7/8 माइनस क्या 1/32 इंच, यानी TDS शॉर्ट में लिखे यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा D इंटू डायरेक्ट क्या करना है 7/8 से गुना माइनस क्या 1/32 इंच, ये डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे, ठीक तो इससे संबंधित क्वेश्चन एक एक करते हैं, तो ये फार्मूला ध्यान रखना है शॉर्ट वाला और ये भी ध्यान रखना है, ठीक तो इस तरह से इसके बाद आगे चलते हैं। इस फॉर्म में अलग अलग फॉर्म में लिखने का मेन पर्पस यही है कि अलग अलग फॉर्म दे दिया जाता है ऑप्शन में तो आसानी से पहचान सकते हैं, मेन फार्मूला यही है, यही से ये सारे क्या होते हैं डेवलप होते जा रहे हैं, यानी यहीं से हम लोग क्या करते हैं इनको निकालते गए। अभी एक एक करके आगे की तरफ देखते हैं, इतना पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए फिर आगे की तरफ चलते हैं। अभी नेक्स्ट है स्टैंडर्ड साइजेज ऑफ टाइप, पहले साइज देख लेते हैं ये स्टैंडर्ड साइज टाइप का, उसके बाद हम लोग एक एक क्वेश्चन को हैंडल करेंगे, जैसे ये पहला है M6 × N, इसको अच्छे से समझिए कितना बार तो यही से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, खाली नोटेशन से ही M6 × क्या लिखा है 1, यहाँ पर एक एक टर्म का मीनिंग समझिए, M का मतलब क्या होता है ये मेट्रिक, मेट्रिक यानी MM वाली थ्रेड है, और ये मेट्रिक थ्रेड यहाँ पर
एम जो है मेट्रिक है और ये सिक्स जो है ये मेजर डायमीटर जो टाइप है उसका बड़े व्यास को बताता है, और ये जो वन है इसका क्या मतलब है, ये पिच है। पिच यानी सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि ये एक टाइप है, ये इस तरह से एक टाइप है जिसका ये जो मेजर डायमीटर है बड़ा व्यास है ये क्या है, ये डी दिया हुआ है, कितना दिया है सिक्स, और इसकी पिच एक से दूसरे दांत के बीच की दूरी जो है ये कितनी है, तो ये 1 mm है, 1 mm, और ये एम का मतलब क्या है, मेट्रिक थ्रेड। तो इसी तरह से मेट्रिक थ्रेड के लिए ज्यादातर पूछा जाता है, उसी का हम लोग स्टैंडर्ड साइज लिखते हैं यहाँ पे और फिर कैलकुलेशन करेंगे। जैसे पहला एम 6 × 1 यानी 6 के लिए पिच कितना 1, एम 8 × 1.25 यानी ये मेट्रिक और डायमीटर 8 और पिच कितना 1.25, एम 10 × 1.5, एम 12 × 1.75, 14 × 2, 16 × 2, 18 × 2.25। इसी तरह से एम 64 × क्या है 6 है। ये अलग अलग टाइप के स्टैंडर्ड साइज है जिसके द्वारा अलग अलग होल में अलग अलग मेजर डायमीटर के हम लोग थ्रेड को चूड़ी को क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो इस तरह से ये स्टैंडर्ड साइज है जहाँ पर 1 से लेकर के और ये जो 20 तक का साइज है यानी 1 से लेकर के 8 नंबर तक का, इसी के बीच में हर एक एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन इसी के बीच में पूछ लिया जाता है। तो ज़्यादा इधर याद करने के लिए जोर नहीं देना है, ये इतना याद रखिए यानी साइज और पिच के साथ, कभी कभी एग्जाम में पिच के साथ ये दे देता है, नहीं तो डायरेक्ट लिख देता है। एम 6 के लिए टेप ड्रिल साइज निकालिए तो वहाँ पर पिच ध्यान रहेगा तो निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमम केस में पिच दे देता है, नहीं तो नहीं भी दिया रहेगा तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। ज़्यादा याद करने के लिए जोर भी नहीं देना है, अभी हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं याद हो जाएगा, नहीं तो नहीं याद हो रहा है तो इन सारे पर क्वेश्चन बना सकते हैं। कैसे करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन को डील करते हैं, फिर ये जितना भी साइज है टाइप का एक एक करके आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, बन जाएगा सारा। अभी इसमें इतना डोंट डाउन करने के बाद आगे चलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट है क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। जैसे एम 10 × 1.5 के लिए टाइप ड्रिल साइज ज्ञात कीजिए। 10 mm का टाइप है, ये एम का मतलब क्या है, ये मेट्रिक है, एमएम वाला टाइप है, और ये डायमीटर कितना दिया है 10 mm, और ये पिच कितना दिया है, पिच दिया है 1.5 mm। तो इसरो में तो एक बार ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लिया, पूछा था वहां पर M 12 × 1.75, इसके लिए पूछा था कि ये 1.75 इसमें क्या बताता है, ऑप्शन में दिया था पिच, उसके बाद बोला था मेजर डायमीटर, फिर मेट्रिक थ्रेड बताता है, ये क्या बताता है 1.75, ये पिच बताता है, ये मेजर डायमीटर और ये क्या है, इसका सिस्टम है मेट्रिक सिस्टम। यानी हम लोग एमएम में क्या करते हैं, उसके साइज को लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन को करते हैं जनरली, यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये TDS आसानी से निकाल सकते हैं। दो विधि से इसको हम लोग पहले बनाएंगे, पहले शुद्ध कैलकुलेशन और फिर प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाएंगे जो हम लोग वर्कशॉप में बनाते समय प्रयोग करते हैं। तो TDS बराबर क्या हो जाएगा, D − 1.22 मेट्रिक है इंटू क्या करेंगे पिच। तो यहाँ पर D का वैल्यू कितना, तो ये मेजर डायमीटर, D क्या होता है टाइप साइज होता है ना, तो 10 माइनस में कितना, ये 1.22 इंटू पिच कितना दिया है 1.5। तो आसानी से यहाँ से अगर करेंगे तो ये 10 यहाँ से निकालेंगे तो 8.17 mm आता है। यहाँ से डायरेक्ट हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो 8.17 mm। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी होल में ये होल है और इस होल में हम लोगों को टाइपिंग करना है कितना, ये 10 mm का, 10 mm का टाइपिंग करना है। तो इसके लिए जो ये 10 mm टाइप के लिए जो होल बनाएंगे हम लोग, होल बनाएंगे यानी ये होल बनेगा ये कितने साइज का होगा, तो इस होल का यही साइज आया है कितना, 8.5 mm का होल बनाएंगे और उसके बाद 8.5 नहीं तो ये 8.17 mm का होल बनाएंगे और फिर इसके द्वारा 10 mm टाइप को लेकर के क्या करेंगे, चूड़ी काटेंगे। यानी जब इस होल में चूड़ी काटेंगे तो ये अंदर की तरफ चूड़ी कटती है ना, यानी 8.17 के बाद जो भी वैल्यू बचा हुआ है 10 तक वो सारा क्या चक्कर हो जाएगा, डेप्थ में, गहराई में चला जाएगा, यानी होल के गहराई में जाएगा। और ये 100% क्या होती है, गहराई वाली डेप्थ वाली चूड़ी बनती है जो लोड को झेलने के लिए, अगर इस होल बने हुए इस प्रकार के थ्रेड के बने हुए होल में अगर हम लोग कोई बोल्ट को या किसी चीज को लगा करके और लोड उठाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो वहां पर ये 100% क्या कर सकता है, गहराई मिली हुई है तो ज्यादा इफिशियंटली लोड को क्या कर सकता है, झेल सकता है। अभी ये हुआ शुद्ध कैलकुलेशन, यहाँ पर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक एक करके नोट डाउन कर लीजिए।
तो यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे तो कितना हो जाएगा 8.17 आएगा। अगर इसी को दूसरे मेथड के थ्रू देखें तो प्रैक्टिकल अप्रोच जो हम लोग वर्कशॉप में प्रयोग करते हैं, इतना नहीं करना है जो वर्कर काम करता है वर्कशॉप में तो एक डायरेक्टली अप्रोच अपनाता है, पूरा शुद्ध कैलकुलेशन गुना भागा नहीं करता है, तो उसके लिए क्या करता है टाइप ड्रिल साइज TDS निकालना है, तो इसके लिए क्या करेगा डी माइनस डायरेक्ट पिच को क्या कर देगा हटा देगा। तो यहाँ पर डी कितना है डी 10 और पिच कितना दिया हुआ है 1.5, तो 1.5 को ही क्या कर देंगे घटा देंगे, तो यहाँ से ये कितना आएगा 8.5 mm आंसर आएगा। ठीक, जनरली एक होल अभी हम लोग पढ़े थे, ये होल है ये कितना है शुद्ध कैलकुलेशन जो फार्मूला यूज किए थे थ्योरेटिकल, ये 8.17 mm का होल है और एक होल है 8.5 mm का, यानी 8.5 mm का होल है। तो यहाँ पर देखेंगे ये होल बड़ा है, ये होल बड़ा है, और जब टाइप के द्वारा चूड़ी काटेंगे तो इसमें कम गहराई मिलेगी ना, क्योंकि होल पहले ही बड़ा है, ये 8.17 छोटा था 5 है ये, तो इससे बड़ा है ना ये होल, तो कम डेप्थ मिलेगी इस होल में, और इस होल में क्या मिलेगा बहुत अधिक गहरा डेप्थ मिलेगा क्योंकि होल का साइज क्या है छोटा है। ठीक, तो शुद्ध कैलकुलेशन ये है और ये है, ज्यादा मजबूती से यानी ज्यादा अच्छी थ्रेड काटने की बात होगी तो सबसे अच्छी कौन होगी इस होल में कटी हुई थ्रेड अच्छी होगी, उसके बाद ये, लेकिन दोनों का प्रयोग किया जाता है प्रैक्टिकल अप्रोच में, ये प्रयोग कर लेते हैं, ये 60% गहराई तक चूड़ी इस होल में कट जाती है और इसमें 100% तक चूड़ी कटती है। तो समझिए यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन पूछता है तो अलग अलग ऑप्शन दिया रहता है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर किसी के लिए भी क्वेश्चन पूछा है मैट्रिक थ्रेड के लिए, जैसे M10 × 1.5 के लिए ये पूछा भी है क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो वहाँ पर ज़्यादातर ऑप्शन ये प्रैक्टिकल अप्रोच जो अपनाते हैं हम लोग, पिच को डायरेक्ट घटा करके यानी 8.5 mm आंसर दिया रहता है। तो हम लोगों को कैसे अप्रोच करना है समझिए, ऑप्शन को देखना है और सबसे पहले ये प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाना है। अगर इस विधि से हम लोगों को राइट आंसर मिल गया, राइट आंसर मिल गया ऑप्शन में, तो उसको टिक आउट करके चलेंगे। ठीक, अगर ये ऑप्शन नहीं मिला, पहले ही टाइम ट्रायल सोचने में घटाने में कुछ नहीं जाता है, तो इसके अनुसार कर सकते हैं। अगर ये ऑप्शन नहीं मिला तो फिर इसका मतलब क्या है, वो शुद्ध फार्मूले यानी 100% वाले फार्मूले का प्रयोग करके और निकाला गया है, तो उसके अनुसार फिर हम लोग TDS बराबर क्या लिखेंगे, TDS बराबर डी माइनस 1.22 × पिच वाला फार्मूला प्रयोग करके और निकालेंगे, और इसके द्वारा कितना आएगा 8.17 mm। तो इस तरह से ऑप्शन में 8.17 नहीं तो इसको 8.2 भी बोल सकते हैं, ये अगर ऑप्शन में रहेगा तो आसानी से टिक आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अप्रोच करना है इसको हिट एंड ट्रायल यानी शॉर्ट मेथड। कोई कोई पूछता है कि दोनों दे दिया तो किसको मारेंगे, तो दोनों दे दिया तो हमेशा अच्छे को मारेंगे ना, तो दोनों दे दिए तो किसको टिक आउट करेंगे, जो शुद्ध है थ्रेड यानी 8.17 को टिक करेंगे। किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इस प्रकार के क्वेश्चन में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ आकर के कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो क्लियर करके चीज़ों को चलना है, उसी तरह से आंसर करेंगे सारा सही माना जाएगा। ठीक, तो अभी ये चीज़ समझ चुके हैं हम लोग, हिट एंड ट्रायल ही सबसे पहले यूज करेंगे और फिर बाद में शुद्ध कैलकुलेशन का यूज करेंगे फार्मूला, इन्हें नोट डाउन कर लीजिए फिर आगे चलते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, एक एक करके ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है इसके लिए करते हैं, सारा चीज समझ में आ जाएगा। M6 टाइप होल में चूड़ी की मानक पिच, फिर बड़ा व्यास यानी पिच निकालना है, बड़ा व्यास निकालना है, छोटा व्यास, चूड़ी की गहराई तथा टाइप ड्रिल साइज ज्ञात करें, TDS में निकालना है, यानी यहाँ पर क्या क्या बोल सकते हैं समझिए, क्या क्या निकालना है यानी टाइप का साइज निकालना है, पिच निकालना है, इसके बाद चूड़ी की गहराई डेप्थ निकालना है, और फिर TDS निकालना है, टैप ड्रिल साइज 1, 2, 3, 4 चीज निकालना है। ठीक, और एक हम लोग छोटा व्यास भी निकाल लेते हैं, छोटा व्यास यानी 5 चीज निकालना है, समझिए। यहाँ पर जनरली 2 चीज तो आसानी से निकाल सकते हैं, ये जो टैप M6 है इसके लिए स्टैंडर्ड साइज में क्या पढ़े हैं हम लोग, तो M6 × क्या होता है 1 होता है, तो ये टैप का साइज कितना हो जाएगा 6 mm हो जाएगा, ये तो क्वेश्चन में ही मिल गया आंसर, ये 6 नहीं दिया है इसका मतलब क्या समझना है 1, अगर पिच नहीं याद है तो इसको हम लोग पिच नहीं लिख सकते, अगर याद ही नहीं है तो नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये M6 के लिए 1 होता है इसीलिए इसके साथ पिच नहीं लिखा जाता है, तो मान करके चलना है 1। इसका मतलब ये नहीं है कि M12 दे दे तो इसका भी 1 मान ले, वहाँ पर लौट जाएंगे 1 मान के कैलकुलेशन करेंगे तो झूल जाएंगे। ठीक, तो इसका मतलब ये नहीं है, 6 का 1 है
बाकी हम लोग सारा स्टैंडर्ड टेबल में पढ़े हैं, इसीलिए बोले थे कि कम से कम M20 तक के लिए साइज को पिच के साथ क्या करना है, ध्यान रखना है, और वो भी ज्यादा जोर नहीं देना है, क्वेश्चन करते करते याद हो जाएगा एक एक करके, अभी प्रैक्टिस करते हैं समझ में आ जाएगा सारा। तो यहाँ पर एक एक करके निकालते हैं चीजों को। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड पिच के बारे में बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 mm, जो M6 × 1 इसी में दिख रहा है पिच, और ये मेजर डायमीटर कितना हो जाएगा, बड़ा डायमीटर 6 mm हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट के लिए अगर बात करेंगे तो ये माइनर डायमीटर, माइनर डायमीटर कैसे निकाल सकते हैं, तो इसके लिए समझिए, अभी इसके लिए थोड़ा सा ओवर भी पढ़े थे, ये इसी काम के लिए पढ़े थे शुरू में, जब फार्मूला मेट्रिक में स्टार्ट किए थे थ्रेड का डेप्थ और ये पिच के बारे में, इसी के लिए पढ़े थे, ऐसा नहीं कि उसको कोना में रखने के लिए संजो करके कि जंग ना लगे। अब यहाँ पर उस कॉन्सेप्ट को निकालना है, समझिए, यहाँ पर ये क्या होता है, क्रेस्ट होता है, और ये थ्रेड का क्या है, रूट है, ये क्रेस्ट है और ये क्या है, रूट है, ये टाइप है जनरली। यहाँ पर देखेंगे तो क्रेस्ट से क्रेस्ट तक का ये जो डायमीटर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बड़ा डायमीटर, बड़ा डायमीटर बोला जाता है कैपिटल डी। इसके बाद ये रूट से रूट तक का ये दोनों तरफ का ये जो व्यास होता है इसको छोटा डाया बोलते हैं, जनरली छोटा डी हम नहीं सूचित करेंगे क्योंकि छोटा डी से हम लोग इसको सूचित किए हैं, डेप्थ ऑफ थ्रेड को सूचित किए हैं, तो ये यहाँ पर लिखते हैं छोटा डायमीटर या छोटा व्यास, छोटा व्यास है ये, ठीक, रूट से रूट तक की ये जो डायमीटर होती है ये क्या होती है, छोटा व्यास। अभी डेप्थ ऑफ थ्रेड के बारे में बात करेंगे तो ये रूट से लेकर के क्रेस्ट तक की एक तरफ की ये जो लंबवत दूरी है इसको क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं, यानी डेप्थ ऑफ थ्रेड, ये एक तरफ है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिंगल डेप्थ बोलते हैं। अभी यहाँ पर देखेंगे तो ये भी क्या होती है, ये भी डी है तो इसको भी क्या बोलते हैं, सिंगल डेप्थ बोलते हैं। अभी कुछ चीज समझते हैं, जब हम लोगों को ये बड़ा डायमीटर पता है और छोटा डायमीटर निकालना होगा तो कैसे निकाल सकते हैं, समझिए, यहाँ पर यहाँ से यानी क्रेस्ट से क्रेस्ट तक ये जो दूरी है ये बड़ा डायमीटर है, हम लोगों को चाहिए रूट से रूट तक की ये दूरी छोटा डायमीटर होता है इसी को निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं, छोटा डायमीटर बराबर छोटा व्यास, छोटा व्यास कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर ये बड़ा डायमीटर है, बड़ा डायमीटर में से यानी इतने में से हम लोग इतना घटा दें, यानी एक तरफ का डेप्थ, इधर वाला डेप्थ और इधर वाला डेप्थ, दोनों तरफ का डेप्थ घटा दें तो यही ना मिलता है, यहाँ से यहाँ दूरी बचेगी, यानी यहाँ से इतना दूरी घटा देंगे और यहाँ से इतना दूरी घटा देंगे तो ये पूरे में से यानी डी में से ये दोनों तरफ का दूरी घटा देंगे तो क्या मिलेगा, ये बची हुई दूरी मिलेगी, और इसी को क्या बोलते हैं, छोटा व्यास, माइनर डायमीटर नहीं तो कोर डायमीटर बोला जाता है। तो आप आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं, जब ये चीज पता चल गया हम लोगों को यहाँ से यहाँ तक ये छोटा व्यास है तो बस करना क्या है, ये जो डेप्थ है एक तरफ का डी है तो दोनों तरफ मिला करके क्या हो जाएगा, दोनों तरफ मिला के 2 × क्या हो जाएगा, डी, 2 × डी। तो छोटा व्यास कैसे निकाल सकते हैं, डी माइनस 2D, तो यहाँ पर छोटा व्यास निकाल सकते हैं डी माइनस 2D, और इसको समझ भी सके हैं यहाँ पर फिगर में हम लोग इस तरह से एक एक करके समझे हैं यहाँ, ठीक, तो ऐसे करके निकाल सकते हैं। इसके बाद जब ये डेप्थ निकालने की बारी आएगी तो ये मेट्रिक में हम लोग क्या पढ़े, 0.61 × क्या, पिच, तो 0.61 × पिच, ये डी की जगह पर 0.61 × पिच रख देंगे तो यही माइनर डायमीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनर डाया बराबर 6 − 2D था और डी की जगह पर ये रख देंगे तो 2 × 0.61 × क्या, पिच, और पिच का वैल्यू क्या है, M6 × 1 है तो पिच क्या है, 1 रख देंगे, तो यहाँ से माइनर डायमीटर कितना आएगा, माइनर डायमीटर आएगा 4.78 mm, यानी ये जो छोटा डायमीटर है ये कितना आ गया, 4.78 mm, ठीक, अभी इतना कर चुके हैं। इसके बाद डेप्थ ऑफ थ्रेड अगर आपसे पूछ दे तो कुछ नहीं करना है, डेप्थ ऑफ थ्रेड के लिए डी बराबर मेट्रिक है तो 0.61 × पिच, तो 0.61 और पिच 1 है, गुना करेंगे तो कितना आएगा, इतना ही आएगा, ये भी बन गया। अभी TDS जब निकालेंगे तो TDS के लिए क्या फॉर्मूला है, D माइनस 1.22 × क्या, पिच, और ये D कितना, तो 6 दिया हुआ है, M6 है ना 6, और पिच कितना दिया हुआ है तो 1, तो ये 1.22 रहेगा ही और पिच कितना 1, तो डायरेक्ट गुना करेंगे तो ये भी कितना आएगा, 4.78। अब ये क्या मामला है, ये TDS भी बराबर, ये माइनर डायामीटर भी बराबर, यही तो समझाने का कोशिश कर रहे थे शुरू में, और वहाँ पर बोले थे कि आकर के ये पता करेंगे हम लोग लास्ट में कि ये ऐसा क्यों होता है, समझिए। इसके लिए जनरली ये इसका मतलब क्या है, ये टाइप ड्रिल साइज और ये माइनर डायमीटर, यहाँ पर दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। उस समय क्या बोले थे
कि जो होल करते हैं, जो टीडीएस निकालते हैं हम लोग, वो कुछ और नहीं होता है, वो क्या होता है, वो छोटा ब्यास के बराबर ही होता है, माइनर ब्यास के बराबर होता है। और यहाँ पर ये दिख रहा है, ये माइनर डायमीटर है जिसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो इसी तरह से डी माइनस टू डी करके निकाल सकते हैं। और निकालने के बाद ये आया, और ये टीडीएस भी निकाले तो क्या आया, सेम आया यही। यानी होल जो होना चाहिए, जो भी टाइप होता है उसके ब्यास के, जो छोटा डायमीटर होता है उसके बराबर हम लोग करते हैं, यानी टाइप ड्रिल साइज क्या होता है उसी के बराबर होता है। और फिर बड़ा ब्यास जो होता है उसके अनुसार उसका साइज तो दिया ही रहता है। तो इस प्रकार के होल में जब इस तरह से माइनर डायमीटर के बराबर हम लोग टाइप के माइनर डायमीटर के बराबर होल करते हैं, तो वहां पर चूड़ी क्या होती है 100% गहराई तक, यहाँ पर देखिए पूरी गहराई तक मिलेगी ना। यानी डी डी दोनों तरफ से ले रहे थे तो 2D, ये 2D इसमें से घटाए हैं तो वही होल का साइज आया है माइनर डायमीटर, तो पूरी गहराई में चूड़ी बनेगी। जबकि जो प्रैक्टिकल अप्रोच अपना रहे थे डी माइनस डायरेक्ट पिच करके, ये TDS बराबर जहाँ से क्या होती है ये 100% गहराई तक चूड़ी बनती है, और ये भी क्या होती है काम के लिए सक्षम होता है, तो इसका भी प्रयोग करते हैं। और ज़्यादा शुद्ध बनाना होता है तो ये इस तरह से छोटा होल करके क्या करते हैं हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर यही समझ में आया TDS और ये क्या होगा, बराबर हो गया माइनर डायमीटर और TDS। ठीक, जनरली ये पिच के अनुसार माइनर डायमीटर बढ़ेगा, जैसे M6 के लिए ये पिच 1 था, तो अलग अलग M12 के लिए जैसा पिच रहेगा उसके अनुसार ये थोड़ा बढ़ते जाएगा, उसके अनुसार ये भी तो बढ़ेगा। ठीक, जैसे पिच यहाँ रखेंगे उसी के अनुसार ये बढ़ते जाएगा। ठीक, तो टाइप का माइनर डायमीटर और टाइप ड्रिल साइज दोनों क्या एक ही तरह से समझ सकते हैं, तो ये चीज़ है। अभी इतना कर लीजिए, बहुत चीज़ें यहाँ पर हम लोग सीख चुके हैं, अभी आगे करते हैं, इतना नोट डाउन कर लीजिए फिर आगे चलते हैं। अभी नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है, इसको कीजिए आप लोग। जैसे यहाँ पर M8 1.25 टाइप ड्रिल साइज निकालना है, ये आंसर दिया हुआ है, मैच कर सकते हैं। तो TDS बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करना है, D-1.22 क्या शुद्ध कैलकुलेशन वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग, 100% इफिशियंट या 100% गहराई वाली। प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए D-D- पिच भी घटा करके लिख सकते हैं, तो ये ऑप्शन के अनुसार हम लोग टिक कर सकते हैं। वहाँ पे जिस प्रकार का रहेगा तो पहले हीट एंड ट्रायल यूज करेंगे ये शॉर्ट वाला प्रैक्टिकल अप्रोच, और फिर हम लोग इसके द्वारा बनाएंगे, अगर इसके द्वारा ऑप्शन नहीं मिलेगा तो डी कितना है, डी कितना है 8 माइनस 1.22 इंटू पिच कितना 1.25, यहाँ से घटाएंगे इसको तो ये कितना आएगा 6.47। इसी तरह से जितना स्टैंडर्ड साइज हम लोग पढ़े हैं टाइप के लिए, वो पूरे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, पूरा याद हो जाएगा। कुछ प्रैक्टिस जो पूछा जाता है एग्जाम में इसको हम लोग कर लेते हैं, M12 के लिए भी पूछा जाता है, इसका भी निकाल सकते हैं। तो ये M12 है, तो TDS कैसे निकाल सकते हैं, TDS बराबर 12 माइनस यही फार्मूला 1.22 इंटू पिच कितना 1.75। बनाइए कॉपी पेन लेकर के साथ में बनाते चलिए, बिना बनाए कुछ होने वाला नहीं है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, घटा करके टोटल आंसर यहाँ पर करेंगे तो कितना आएगा 9.865 mm आएगा। ठीक, तो इस तरह से ये आंसर भी है, चेक कर लीजिए आप लोग बना करके एक एक क्वेश्चन को। इसी तरह से इसको भी बना सकते हैं, इजी है, डायरेक्ट क्या करना है 2 से गुना करके फिर घटाना है, ये 2.5 से गुना करके घटाना है। तो इस तरह से ये चारों क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, और जितना भी स्टैंडर्ड साइज हम लोग पढ़े हैं जो टेबल में, वहाँ सारा के लिए M64 तक के लिए, वो सारे के लिए आप कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद इतना नोट डाउन कर लीजिए फिर आगे चलते हैं। अब आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इंच के लिए 1/2 इंच टाइप के लिए टाइप ड्रिल साइज क्या होगी, जबकि टाइप की TPI यानी थ्रेड पर इंच 12 है, यानी एक इंच की दूरी में कितने थ्रेड है, एक इंच की दूरी में कितना थ्रेड है, 12 थ्रेड है। तो इसके लिए हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो फार्मूला पढ़े हैं, दो विधि से बनाते हैं। पहले हम लोग शॉर्ट फार्मूला यूज करते हैं, यानी शॉर्ट फार्मूला में क्या था, TDS बराबर टाइप साइज यानी डी इंटू 7/8 माइनस 1/32 इंच, इस फार्मूले को यूज करते हैं यहाँ पर। और फिर एक जो बेसिक इफिशियंट 100% डेप्थ वाली फार्मूला पढ़े थे उससे भी करेंगे, और फिर कंपेयर करते हैं। यहाँ पर TDS बराबर ये टाइप ड्रिल्स, ये टाइप साइज कितना है 1/2, तो 1/2 उसके बाद 7/8, ये फार्मूला है डायरेक्ट, इसको ध्यान रखना है, 7/8 से गुना कर लेंगे और 1/32 इंच। अब इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे, जैसे ये 1/2 इंटू क्या है 7/8,
और माइनस वन बटा क्या है 32 है, यहाँ इसको गुना कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 7 बटा में क्या हो जाएगा 16, और माइनस वन बटा क्या 32। अभी एलसीएम ले लीजिए यहाँ से, ये 16 32 का एलसीएम क्या हो जाएगा 32। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये 14 माइनस ये क्या हो जाएगा 1, यहाँ से देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 13 बटा में 32। 13 बटा में 32, 13 बटा में 32 को अगर पॉइंट में देखें तो ये कितना होगा 0.406 इंच। तो ये तो हुआ पहला विधि, इस तरह से इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर अभी दूसरा जो मेथड है, जो हम लोग NTPI के फॉर्म में लिखे थे, ये 12 जो दांत दिया हुआ है इसको प्रयोग करके और फॉर्मूले पर रख करके निकालते हैं, फिर देखते हैं क्या डिफरेंस आ रहा है। तो इंच के लिए सबसे ज़्यादा हम लोग इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। अगर ऑप्शन में इंच के लिए पूछा है तो ये फॉर्मूला देख करके और ऑप्शन को ढूंढ लेंगे, अगर ऑप्शन दिया हुआ है तो आसानी से कर सकते हैं इस तरह से फ्रैक्शन में, नहीं तो ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो फिर दूसरे फॉर्मूला का यूज करके और फिर प्रयोग करते हैं। यहाँ पर दूसरा देखते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं, जैसे हम लोग पढ़े TDS बराबर D-1.28 × pitch डिवाइडेड बाई क्या NTPI, और NTPI कितना दिया है 12। जनरली इस फॉर्मूले में हम लोग बनाए तो यहाँ पर ये खाली डायामीटर का यूज हो रहा था, यानी पिच यहाँ पर नहीं दिया था और पिच निकालना भी नहीं था, नहीं तो दांतों की संख्या दिया है तो इसका कोई यूज नहीं, लेकिन यहाँ पर दांत का संख्या दिया है 1 इंच में, तो अब इसको प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला है ना D-1.28 × 1/NTPI, तो ये डी कितना दिया है 1/2 − 1.28 × क्या करेंगे NTPI कितना है 12, इसे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 0.393 इंच। इसको लगभग लगभग क्या बोल सकते हैं 0.40 इंच बोलिए, और नहीं तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं 13 बटा 32 इंच भी बोल सकते हैं, लगभग लगभग उसी के बराबर है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इससे कीजिए या इससे कीजिए, बस थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है दोनों में, दोनों के अनुसार ऑप्शन को हम लोग आसानी से जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा चुन सकते हैं। यहाँ पर इतना चीज नहीं करना है, कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर इसी तरह से इसको करके और डायरेक्ट निकालिए। तो सबसे पहले इंच के लिए जब भी पूछा जाए तो ये फॉर्मूला प्रयोग कीजिए, अगर इससे आंसर नहीं आ रहा है, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, फिर शुद्ध कैलकुलेशन करके और फिर निकालेंगे। ठीक, यहाँ पर भी देख सकते हैं ये बड़ा होल है, जिस तरह से हम लोग मेट्रिक में समझे थे प्रैक्टिकल अप्रोच लगाते थे, तो उसी तरह से ये प्रैक्टिकल अप्रोच है, जैसे 8.5 हिस्से आता था 10 के लिए, तो ये बड़ा होल हो गया, और यहाँ पर देखेंगे तो ये उसके कारण 8.10 mm के लिए 8 शुद्ध होल में कितना आता था 8.17, तो उसी तरह से समझ सकते हैं ये 60% यूज के लिए सक्षम है, या 60% गहराई तक थ्रेड बना सकता है, और इसमें हम लोग 100% गहराई तक थ्रेड बना सकते हैं, होल छोटा है। इस तरह से चीजों को डिफ्रेंशिएट करके समझ सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए सारा। इसके बाद नेक्स्ट है, एक होता है ISO इंच, और इसको यूनिफाइड थ्रेड बोला जाता है, नहीं तो इसको यूनिफाइड थ्रेड फार्मूला भी बोला जाता है। जनरली इसके लिए इसमें ISO इंच में ये दो तरीके की थ्रेड होती है, एक होती है UNC यूनिफाइड कोर्स थ्रेड, और एक होती है UNF यूनिफाइड फाइन थ्रेड। ये कोर्स थ्रेड का मतलब क्या है कि अगर इस तरह से 1 इंच की दूरी में देखेंगे इसके दांतों की संख्या को, थ्रेड को, तो ये क्या होता है कोर्स, मतलब क्या दूर दूर, यानी पिच क्या होता है दूर दूर होता है, इसके आधार पर ये क्या है कोर्स थ्रेड। और ये फाइन का मतलब क्या है, इनका पिच क्या है बहुत पास पास है, यानी ये भी बोल सकते हैं कि 1 इंच में दांतों की संख्या क्या होती है कोर्स के मुकाबले अधिक होती है। तो इनके लिए फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, और इसके लिए भी क्वेश्चन एक बार DMRC में पूछा है। जनरली अगर नाम दे करके पूछे कि यूनिफाइड इंच के लिए, नहीं तो ये ISO इंच थ्रेड के लिए निम्न में से किस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए हम लोग डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। इस पर क्वेश्चन अभी करते हैं, TDS बराबर मेजर डायामीटर, यानी डी माइनस डायरेक्ट क्या रखेंगे 1/NTPI नंबर ऑफ टीथ पर इंच, ठीक, या नंबर ऑफ थ्रेड पर इंच। यहाँ पर इस फॉर्मूले को ध्यान रखिए, यहाँ से ये कर सकते हैं, एक क्वेश्चन इस पर करते हैं, जैसे 3/8 इंच टाइप के लिए TDS ज्ञात करें, ये DMRC में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक, इसको करते हैं। जनरली बहुत कभी कभार इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन हम लोग इसको भी प्रयोग करके, ये फॉर्मूले को प्रयोग करके आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, तो ये TDS बराबर डी माइनस क्या है 1/NTPI, यहां पर ये NTPI नहीं दिया हुआ है, और ये फॉर्मूले में हम लोगों को चाहिए। जनरली ये लेंथी क्वेश्चन हो जाता है, अब 3/8 इंच व्यास के लिए
जो चार्ट में वैल्यू मिलता है ये अलग अलग, जैसे 3x8 इंच टाइप के लिए, 5x8 इंच टाइप के लिए, इसी तरह से अलग अलग साइज के टाइप के लिए ये जो इनका नंबर ऑफ थ्रेड पर इंच जो वैल्यू होता है वो अलग अलग होता है। तो इसके अनुसार देखेंगे, अगर ये 3x8 इंच के लिए तो इसके लिए एक इंच में कितने थ्रेड होते हैं, 16 थ्रेड होते हैं। ये थोड़ा लेंदी हो जाता है, ये डाटा याद करना संभव नहीं है, नहीं तो आसानी से कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में लिया लिखा रहा है कि नंबर ऑफ थ्रेड पर इंच कितना है, 16 है, तो आसानी से फिर 16 रख करके कर सकते हैं। इसीलिए बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन एक बार जबरदस्ती डीएमआरसी में पूछ दिया क्वेश्चन, तो इसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला को लिखे हैं यहाँ पे, ठीक, आसानी से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, ये मेजर डायमीटर, इस तरह से कर सकते हैं, मेजर डायमीटर कितना, 3x8 - 1/16। क्यों? क्योंकि 1/NTPI, और NTPI की जगह क्या रख दिए, 16 रख दिए। तो यहाँ पर ये क्या है, 6 - 1/16, अगर यहाँ से अगर देखेंगे तो ये निकल कर कितना आएगा, 5/16 इंच, ठीक। तो इस तरह से ये डायरेक्टली ये ऑप्शन में दिया था, तो आसानी से कर सकते हैं, नहीं तो अभी जो इससे पहले इंच वाला फॉर्मूला पढ़े थे, D × 7/8 - 1/32 इंच, उससे भी लगभग इसके बराबर आता है, एग्जैक्ट नहीं आता है, लेकिन ऑप्शन में यही दिया था 5/16। तो इसको मैच करने के लिए इसी तरह से फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा, ठीक। जिस प्रकार का ऑप्शन दिया रहता है या जिस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा उसके अनुसार हम लोग अलग अलग फॉर्मूले को लिख करके चेक कर सकते हैं। इतना ज़्यादा ट्विस्ट क्वेश्चन में नहीं करता है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ करके और एग्जाम में आंसर मांग लेता है, तो आसानी से कर सकते हैं। एक बार ये जबरदस्ती पूछा गया क्वेश्चन है डीएमआरसी में, तो इसके लिए कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं, इतना नोट डाउन कर लीजिए। अभी नेक्स्ट है थंब रूल के अनुसार मीट्रिक टाइप ड्रिल साइज, थंब रूल के अनुसार क्या होता है फॉर्मूला। तो ये जो होता है ये मेट्रिक टाइप के लिए, एमएम वाले टाइप के लिए ही है, टीडीएस बराबर टाइप साइज × 0.8, यानी इसके अनुसार टीडीएस निकालना होगा, तो ये क्या होता है D × 0.N, यानी डायरेक्ट टाइप का डायमीटर, और 0.8 ये फिक्स्ड वैल्यू है, इसी से क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कभी कभार तो फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है कि थंब रूल के अनुसार निम्न से कौन सा फॉर्मूला सही है या सूत्र सही है, तो आसानी से कर सकते हैं D × 0.8। यहाँ पर जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे M 12 × 1.75, इसको थंब रूल के अनुसार बनाना है, क्वेश्चन में नाम लेकर के पूछ लेता है तभी हम लोग इस तरह से करेंगे, नहीं तो थोड़ा सा अंदाज लगाने के लिए शॉर्ट तरीके से इससे भी देख सकते हैं। अभी डिस्कस करते हैं, देखिए यहाँ पे TDS बराबर ये टाइप साइज, ये 12 कितना है, ये M12 है, 12 × 1.75, यहाँ से अगर देखेंगे तो ये कितना आता है TDS, यहाँ से देखेंगे तो ये TDS बराबर D × 0.8, 12 × 0.8 कितना हो जाएगा, 9.6 mm। अगर इससे पहले वहाँ पर जो मैट्रिक के लिए देखे थे हम लोग और शुद्ध कैलकुलेशन इस फॉर्मूले से यूज किए थे कि TDS बराबर D − 1.22 × pitch, इसके लिए कितना आया था निकाले थे तो हम लोग, 9.86 के आसपास आया था। तो इसमें और इसमें कंपेरिजन करेंगे तो थोड़ा सा का अंतर है, ये अंदाज लगाने के लिए शॉर्ट फार्मूला बोल सकते हैं थंब रूल के अनुसार, और ये मेट्रिक के लिए ही अप्लाई होगा। तो इस तरह से इस फॉर्मूले को भी ध्यान रखिए, कभी कभार पूछ लिया जाता है नाम लेकर के, तो ये और आसान हो जाता है। इतना पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अभी नेक्स्ट है विभिन्न धातुओं की टाइपिंग करते समय प्रयोग किए जाने वाले स्नेहक, ये अलग अलग टाइपिंग करते समय हम लोग ऑयल का प्रयोग करते हैं, उसी को हम लोग लुब्रिकेंट बोलते हैं। किस धातु के लिए कौन सा लुब्रिकेंट प्रयोग करेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके लिए अभी हम लोग एक टेबल को समझते हैं, ठीक। यहाँ पर एक तरफ ये धातु है और दूसरे तरफ लुब्रिकेंट है। पहले हार्ड स्टील है, हार्ड स्टील में टाइपिंग करना होता है तो उसके लिए लॉर्ड ऑयल का प्रयोग किया जाता है। लॉर्ड ऑयल जनरली सुअर के चर्बी का तेल होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉर्ड ऑयल बोलते हैं। जनरली हम लोग टाइपिंग के लिए ये लुब्रिकेंट का प्रयोग क्यों करते हैं, ताकि चूड़ियों के बीच में फ्रिक्शन ना हो, घर्षण ना हो, और आसानी से साफ चूड़ी बने, और कटिंग करते समय क्या हो, स्मूथली टाइप के द्वारा कटिंग हो सके, इसीलिए इसका प्रयोग करते हैं ये लुब्रिकेंट का। फिर एल्युमिनियम के लिए ये पूछा जाता है, यहाँ पर एल्युमिनियम के लिए मिट्टी का तेल नहीं तो क्रिएसिन, बार बार इसके लिए डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, चाहे ड्रिलिंग करना हो या रिमिंग करना हो या टाइपिंग करना हो, सबके लिए क्या मिट्टी का तेल। कास्ट आयरन के लिए हवा नहीं तो सूखा, ठीक, ड्राई, नहीं तो नो कूलेंट बोल सकते हैं। इसी तरह से ब्रास के लिए, पीतल के लिए भी क्या सूखा, और माइल्ड स्टील के लिए मोबिल ऑयल। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये तो बार बार पूछा जाता है,
इसमें ये कास्ट आयरन के लिए भी ध्यान रखिए और ब्रास भी उसी तरह से, ठीक। इतना पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अभी नेक्स्ट है कुछ नोट पॉइंट है टाइप से संबंधित, और नोट पॉइंट में पहला पॉइंट है कि टाइप को हम लोग टाइपिंग करते समय एक चक्कर आगे और आधा चक्कर क्या करते हैं, पीछे घुमाते हैं। जनरली आधा चक्कर नहीं, ये कहने के लिए आधा चक्कर हम लोग बोल देते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में कितना होता है, 3/4 भाग होता है। अगर परफेक्ट डाटा क्वेश्चन में दे दे कि कितना चक्कर हम लोग पीछे घुमाते हैं, एंटी क्लॉक वाइज घुमाते हैं, तो 3/4 भाग क्या करते हैं, एंटी क्लॉक वाइज घुमाते हैं, तो 3/4 भाग पीछे घुमाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से कटिंग चिप्स टूट कर नीचे गिर जाते हैं और चूड़ी भी क्या होती है, अच्छी बनती है। फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है टैप सेट में टैप को आसानी से पहचानने के लिए, शुरू में ये हम लोग इंट्रोडक्शन में ही पढ़े थे, उसके लिए क्या कर देते हैं, तो आगे से चाहे चूड़ियों की संख्या देख सकते हैं हम लोग। जो हैंड टैप का 3 सेट होता है, फर्स्ट टैप जिसको टेपर टैप बोला जाता है, सेकेंड टैप या इंटरमीडिएट टैप जिसको बोला जाता है, फिर प्लग टैप नहीं तो फिनिशर टैप नहीं तो बॉटमिंग टैप बोला जाता है, उनको पहचानने के लिए कैसे कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट टैप में क्या होता है, 6 से 10 चूड़ी, उसके बाद सेकंड टाइप में 3 से 5 चूड़ी, और थर्ड टाइप में क्या होता है, तो 1 से 2 चूड़ी आगे से क्या होती है, चैम्फर। तो ये पहला पहचानने का तरीका है। इसके अलावा और भी 2 तरीके हैं, जैसे दूसरा तरीका है कि उस पर फर्स्ट टाइप है तो 1 नंबर लिख दिया जाता है, 1, 2, 3 इस तरह से लिख दिया जाता है। नहीं तो तीसरा तरीका है, फर्स्ट टाइप है तो उस पर 1 रिंग, सेकेंड टाइप है तो 2 रिंग, थर्ड टाइप है तो 3 रिंग, इस तरह से उसके सैंक पर क्या होता है, गोलाई में रिंग बना देते हैं। यहाँ पर UPRBNL में अभी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा था कि सेकंड टाइप के लिए जो साइन के ऊपर रिंग की संख्या होती है वो कितनी होती है, तो 2, ठीक। नहीं तो ऐसे भी पूछ सकता है कि आसानी से टाइप को पहचानने के लिए टाइप के साइन के ऊपर निम्न में से किसकी मार्किंग होती है, और इसमें से कुछ भी दे सकता है, रिंग की मार्किंग, और भी 1, 2, 3 लिखा रहता है, चूड़ियों की संख्या दी रहती है, तो ऑल ऑफ दीज उसके अनुसार आंसर को कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया इस तरह से। अभी इसी के लिए दूसरा पॉइंट है, आसानी से पहचानने के लिए 1, 2, 3 नंबर होता है, नहीं तो टाइप के सैंक पर रिंग की क्या कर देते हैं, मार्किंग कर देते हैं। अगर 1 रिंग है तो क्या, टेपर टाइप, 2 रिंग है तो इंटरमीडिएट, और 3 रिंग है तो क्या, बॉटमिंग टाइप या फिनिशर टाइप, नहीं तो प्लग टाइप, और बॉटमिंग टाइप नहीं तो फिनिशर टाइप या प्लग टाइप का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, तो ब्लाइंड होल की टाइपिंग के लिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी ये सारा पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। अभी आज के क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं।